क्या होता है ना कि लड़कों के लिए गिफ्ट चूज कर पाना बहुत ही ज्यादा टफ होता है और अगर पता भी हो तो हमें हम भी भी हम जो मैं लाई हूँ जो जो कि ट्वेंटी तो, में बहुत ही ट्रेंडी है और वर्क करने वाला है और साथ ही में लड़कियों के लिए भी गिफ्ट चूज कर पाना जो है एक युद्ध से कम नहीं है ट्रस्ट मी बिकॉज देर आर लॉर्स ऑफ थिंग जो हम लड़कियों को गिफ्ट

तो आज की वीडियो काफी ज्यादा रोमांटिक होने वाली है बिकॉज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेलेंटाइन डे गिफ्ट आइडियाज एंड सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें पहले पार्ट में दिखाऊंगी कि लड़कों के लिए क्या गिफ्ट आइडियाज हो सकते हैं और दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी लड़कियों के लिए क्या गिफ्ट uh, आइडियाज हो सकते हैं वैसे तो हमें कुछ भी दे दो लाइक वी लव दैम बस हमें गिफ्ट चाहिए तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है एंड डू कमेंट बिलो जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है यू you नो know, जो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है उसमें यू नो गिफ्ट का कोई भी वैल्यू नहीं होती है ऐसा मैं नहीं बिल्कुल भी बोलूंगी बिकॉज वैल्यू होती है उससे हम प्यार को जताते हैं तो गाइज प्यार को जताना भी जरूरी होता है ठीक है आज का टाइम वो नहीं है कि सिर्फ यू नो यू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप लेकिन आपने जताया नहीं है तो आपको जताना भी कभी कभी ज़रूरी होता है तो गाइज इस चीज़ के लिए जो है आपके पास जो है आइडियाज़ भी होने चाहिए तो उसके लिए लई हूँ मैं ये सारे गिफ्ट आइडियाज़ और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूंगी कि गाइज मैंने बजट बिल्कुल भी, -भी डिसाइड नहीं किया है ना आपका ना मेरा बिकॉज गाइज इट टोटली डिपेंड अपॉन यू दैट कि आप कितने बजट में क्या लेना चाहते हो बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लें या फिर बहुत ज़्यादा यू नो अपने आउट ऑफ बजट चले जाएँ या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लें

तो बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं तो अगर आप परफ्यूम गिफ्ट करना चाहते हो किसी भी रेंज का तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो एंड आई हैव दिस अमेजिंग परफ्यूम इज़ अ फ्रेशली और साथ ही में हनी से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है विच इज अ क्लिनिक हैप्पी परफ्यूम इट्स बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में मुझे बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं बिकॉज इट इज अ एलिगेंट परफ्यूम ऐड कर देगा एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी उसके वॉर्ड्रोब में तो गाइज आप जा सकते हो क्लिनिक परफ्यूम पे बिकॉज ये बहुत ही अच्छा है इस के अलावा अगर आप कोई भी परफ्यूम लेना चाहते हो तो ले सकते हो और गिफ्ट कर सकते हो तो सब परफ्यूम एक बहुत ही अच्छा आइडिया है वेलेंटाइन पे गिफ्ट करने का तो नेक्स्ट आइडिया जो है लड़के को बहुत ही ज्यादा तो पसंद आने वाला है तो अगर ये जान लीजिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड फ्रेंड या वाइफ जो भी है मेकअप लवर है या फिर स्किन केयर लवर है तो आप दे सकते हो उनको मेकअप मेकअप अब आप बोलोगे मैं क्या उसमें मेकअप बिकॉज मेकअप पे बहुत सारी चीज होती है मेकअप में ऐसा आप क्या दे सकते हो तो गाइज आई पैलेट और लिपस्टिक आप जो है गिफ्ट कर सकते हो बिकॉज आई छोटे पैलेट ऐसे होते हैं कि एक सिंगल बंच में आते हैं और आप इजीली से उसको दे भी सकते हो तो देर आर सो मेनी आई शेडो पैलेट इन मार्केट उनमें से कोई भी आई शेडो पैलेट आप जो गिफ्ट कर सकते हो अगर आप गिफ्ट uh, कर सकते हो सो आई हैव थ्री टू फोर लिपस्टिक विच इज वन इज मेबलिन तो मेबलिन की लिपस्टिक भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी आती है और बहुत ही अच्छी है तो so, मेबलिन के लिपस्टिक विच इज इन शेड ये तो मेरा फेवरेट शेड है इज इट्स अ जस्ट अ टीजर एम एन यू टेन तो इट्स अ क्रीमी मैट लिपस्टिक आप ये लिपस्टिक जो है गिफ्ट कर सकते हो और साथ ही में आई हैव न्याय का लिपस्टिक सो दिस वन इज माई फेवरेट शेड सो शेड नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंशन कर दूंगी सो दिस इज़ अ प्रो कॉस्मेटिक सो सो इट्स अ 409 जीरो नाइन रोज़ ब्लॉसम सो दिस इज़ एंड आई हैव सो मैनी इट्स अ लेक मे नाइन टू तो लेक मे नाइन टू फाइव या फिर नायका ये जो लिपस्टिक आती ये बहुत ही अच्छी चीज़ है तो नाइन टू फाइव लेक की है और लॉरियल भी आप गिफ्ट कर सकते हो सो दीज ऑल आर द लिपस्टिक की जो ब्रांड्स है काफ़ी अच्छी लिपस्टिक और अच्छा फॉर्मूला होता है लिपस्टिक का बेसिकली तो so, आप इनमें से कोई भी लिपस्टिक जो है वो गिफ्ट कर सकते हो अगर आप और अच्छे लिपस्टिक पे जाना चाहते हो तो आप भूरा ब्यूटी वगैरह दे सकते हो आसानी से दूसरी चीज़ मैं बोलूंगी बोलूँगी आई शेडो की तो वही आई शेडो पैलेट जो आप नायका पे डायरेक्ट जाके ऑनलाइन जो है विजिट कर सकते हैं आर सो मेनी आई शेडो पैलेट लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट्स चूज करें या फिर न्यायका के जो है बहुत सारे पैलेट हैं वहाँ पे आप उनको चूज करके कोई भी पैलेट चूज़ करके आप गिफ्ट कर सकते हो और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ जो है वो मेकअप लवर बिल्कुल भी नहीं है तो उसे स्किन केयर गिफ्ट कर दीजिए तो स्किन केयर इज़ ऑल्सो नेसेसरी तो आप बोलोगे इतने सारे स्किन केयर हैं तो क्या गिफ्ट करना चाहिए आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या फिर एक स्किन केयर किट गिफ्ट कर सकते हैं सो इफ़ यू वन अ बाय तो बहुत सारे जो है किट अवेलेबल होते हैं एट न्यायका न्याय एक वेबसाइट है जहाँ पर आप स्किन केयर और मेकअप खरीद सकते हो तो अगर आपको कोई स्किन केयर खरीदना है तो आप वहां कॉम्बो सेट खरीद सकते हो अफोर्डेबल भी आते हैं और अच्छे अच्छे हैं तो आपको अगर आपको क्लोथिंग में कुछ गिफ्ट करना है तो आप बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास फर्स्ट जो आइडिया है वो है स्वेटर विच स्वेटर बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल तो आप एक टर्टल नेक की स्वेटर भी गिफ्ट कर सकते हो सो दिस इज वाइट कलर ऑफ टर्टल नेक स्वेटर because um मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है सो दैट्स वाई आई हैव दिस वाइट कलर टर्टल नेक स्वेटर तो अब इस तरीके की टर्टल नेक स्वेटर गिफ्ट कर सकते हो हर कोई लड़की पसंद करती है हर टर्टल नेक की स्वेटर बिकॉज आजकल फैशन में है जैसे कि मैंने कहा था ट्वेंटी ट्वेंटी टू का, का वैलेंटाइन गिफ्ट आइडिया है तो कैसे वही मैं बताना चाहूँगी एक नॉर्मल स्वेटर लेने की बजाय अगर आप टर्टल नेक स्वेटर लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बिकॉज़ वो ज़्यादा ट्रेंडी है आज की डेट में तो हर कोई इसे पहना पसंद करता है और अभी इतनी ठंड गई भी नहीं है कि हम नहीं पहने तो अभी तो सीज़न है तो आप इस तरीके की स्वेटर ज़रूर गिफ्ट कर सकते हो और इसके अलावा क्लोथिंग में स्वेटर uh, के अलावा जो है आप गिफ्ट कर सकते हो बिकॉज़ आने वाला जो सीजन है वो समर्स का है तो शॉर्ट्स और टी का एक सेट बनाकर भी आप गिफ्ट कर सकते हो अगर आप गर्लफ्रेंड प्रेफर करती है वेयर करना शॉर्ट्स या फिर टी शर्ट्स तो आप उसका भी एक पेयरअप बना सकते हो सो आई हैव अ वेरी वंडरफुल यू नो कलरफुल पेयर सो आई हैव दिस शर्ट और इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा है यू you नो know, बेबी पिंक कलर का है तो अगर कुछ इस तरीके से आप जाना चाहते हो बिकॉज ये कुछ ऐसे न्यूट्रल कलर होते हैं जो सब पे ही बहुत ज़्यादा सूट होते हैं मैं ये इसलिए शो कर रही हूँ कहीं ताकि आप कलर कॉम्बिनेशन देख पाओ अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो हमेशा सेफेस्ट ही प्ले करो ताकि आपको ये ना हो बाद में कि मैंने क्यों लिया या सामने वाले को भी ऐसा लगे कि मुझ पर थोड़ा औकड़ लग रहा है तो इसलिए हमेशा गो फॉर द न्यूट्रल कलर्स सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर so, very, very color, और ये शॉर्ट्स है इस बिकॉज आने वाला टाइम जो है सीजन जो है समर्स का है आप गिफ्ट कर सकते हो और साथ ही में इसका जो मैचअप पेयर है टॉप वो इस कलर का है तो ये दोनों ही साथ में जो है बहुत बहुत बहुत, बहुत प्रटी लगते हैं इसके अलावा अगर आप क्लोथिंग में गिफ्ट करना चाहते हो तो कुर्ताज़ गिफ्ट कर सकते हो कुर्ता भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बिकॉज आने वाला टाइम जो है वो समर्स का है तो आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो काफ़ी लाइट वेट चीज़ें भी गिफ्ट कर सकते हो तो ये इस तरीके कुर्ता आप गिफ्ट कर सकते हो जो वेरी वेरी यू नो you know, बहुत ही यूनिक लगता है वेयर करने में साथ ही में काफ़ी प्लेजेंट है और यू नो सिंपल सा है बहुत ही प्रिटी सा लगता है इसके अलावा आप गिफ्ट कर सकते हो कोई भी ड्रेस आ, तो ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती है लड़कियों को तो कोई भी वाइट ब्लैक या फिर कलरफुल वे में जा सकते हो कलर इज़ टोटली योर चॉइस बट मैं वो सो दिस काइंड ऑफ ए ड्रेस यू कैन गिफ्ट योर फ्रेंड तो ये बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस है वाइट कलर की ड्रेस है तो वाइट और ब्लैक एक ऐसा कलर होता है कॉमन कलर होता है जो सब पहना बहुत पसंद करते हैं सो so, व्हाइट एंड ब्लैक मेरा तो बहुत ही पर्सनली फेवरेट कलर है और लड़कियों का ये जो कलर होता है ना वाइट एंड ब्लैक का कॉमन कलर होता है यू you नो know? तो वो वियर करना पसंद करती हैं तो यू कैन ऑल्सो गिफ्ट यू नो काइंड ऑफ दैट ड्रेसेज इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्योर कॉटन ड्रेस तो आप इस तरीके की ड्रेसेज भी गिफ्ट कर सकते हो आई नो ये इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा uh, जो है देखिए आप इस तरीके से देख सकते हो सो नेक्स्ट गिफ्टिंग आइडिया इज द ज्वेलरी तो ज्वेलरीज जो है आजकल भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं सबको बहुत पसंद है तो आप इस तरीके की गोल्ड चेन की ज्वेलरी दे सकते हो जो कि आज तो स्टेटमेंट ज्वेलरी स्टेटमेंट ज्वेलरी जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इनमें है आप देख सकते हो इट्स वेरी वेरी प्रिटी तो आप इस तरीके की यू नो स्टेटमेंट ज्वेलरीज जो है गिफ्ट कर सकते हो इसके साथ ही सिल्वर ज्यूलरी भी गिफ्ट कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये ऑफकोर्स ये मतलब किसी को भी मिलेगा गिफ्ट तो बहुत ही अच्छा यू नो लगेगा बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन में हैं तो इसे वियर भी किया जाएगा और ये यूजफुल भी होंगी तो ज्वेलरीज में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो ज्वेलरीज में आप गई ट्राई कीजिए कि इस तरीके की यू नो you know, नेक पीस लीजिए बिकॉज नेक पीस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है साथ में इयरिंग्स ले सकते हो हुप ईयरिंग्स ले सकते हो दे आर सो मेनी एयर इन द मार्केट तो वो ईयरिंग्स चूज़ करें जो थोड़ा एलिगेंट हो बड़े ही चमचमाते एयरिंग्स ना लें बिल्कुल भी मत लें तो Uh, आप इस तरीके की यू नो स्टेटमेंट ज्वेलरीज़ ले सकते हो जो कि क्लासी भी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल uh, भी लगती हैं तो इस तरीके की स्टेटमेंट ज्वेलरीज़ आप बिल्कुल ले सकते हो ये मुझे जो है एक इंस्टा स्टोर ने सेंड की थी तो मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज़ हैं तो आप देख सकते हो इट्स अ फैशन ज्वेलरीज और क्वालिटी वाइज ये काज बहुत ही अच्छी है साथ ही में इसमें जो गोल्ड प्लेट इसका कलर किया हुआ है वो भी डिमिश नहीं होता है तो काफ़ी अच्छी ज्वेलरीज हैं यू कैन चेक इट आउट फॉर योर लवर तो नेक्स्ट आइडिया इज़ ऑल अबाउट द हैंड बैग्स हैंड बैग्स प्लेज अ वेरी वेरी एसेंशियल रोल इन अ वूमेंस लाइफ सो हैंड बैग इज़ ऑल्सो अ यू नो गिफ्टिंग आइडिया वन ऑफ द बेस्ट गिफ्टिंग आइडिया आई कैन से दैट गईस तो हैंड बैग जो है हैंड बैग में बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं क्लचेज़ आती हैं टोट बैग्स आते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो नाउ डेज जो है हैंड बैग सिर्फ एक काम का नहीं रह गया कि जिसमें हम अपनी यू नो मेडिसिन वॉलेट फ़ोन वोन रखेंगे सो so, आज के डेट में वो एक स्टेटमेंट ज्वेलरी भी बन चुका है जैसे हैंड बैग सो आई हैव दिस ब्यूटीफुल ब्लैक कलर हैंड बैग और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एज वेल दैट की आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वेलवेट स्टफ uh, तो ये जो बैग है इसके अप साइड डाउन और इन फ्रंट ऑफ वेलवेट है जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी लुक प्रोवाइड करता है और साथ ही में इस तरीके का हैंड बैग आप अगर पिक करते हो तो वो बहुत ही अच्छा 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 लगने वाला है हर वे से क्लासी लगने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगता है दिस हैंड बैग और साथ ही में गई जैसे कि आजकल जो है क्लीटर्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं वेलवेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो एक ऐसे ही फैशन स्टेटमेंट ज्वेलरी आप जो है कैरी अप करें ताकि गिफ्ट देते हुए भी अच्छा लगे यू नो इट्स तो वेरी वेरी ट्रेंडी ट्रेंडी सा लगना चाहिए पहले क्या होता था ना कि सिर्फ हैंड बैग ले लिए जाते थे तीन या चार चलो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रखनी है नहीं ऐसा नहीं है आज की डेट में क्या हो रहा है कि हैंड बैग जो है एक स्टेटमेंट ज्वेलरी बन चुका है हर ड्रेस के साथ जो है हर तरीके के बैग्स जो है कैरी किए जाते हैं तो सो इफ़ यू वन अ गो एंड लिटल हाई बजट तो आप लग्जूरियस और uh, काफ़ी ज्यादा अच्छे डिजाइनर बैग्स भी यू नो परचेज कर सकते हो ऑफ़ द गुड बैग इफ यू एड इन हर वार्ड्रोब ना तो इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता तो दिस इज़ वेरी एक्सट्रीमली अ गुड गिफ्टिंग आइडिया फॉर हर